सुनते ही सदा के शहनशाह बहरोबर दौड़े गिरे उठे न संभाला गया अजगर कांपे जो पांव थाम लिया बाजुए पिसा चला जग चिल्लाते देखा मजमा हटाओ फौजे सितम का तराई से बेटा मिला दो दल में अकबर उजड़ गया मेरा घर अकबर उजड़ गया सीधी ना हो गया सीधी ना हो गया है दरवा मुसीबत काटा गया फुर्सा तो दो नजब की करमों को मोड़ दो सर पीटा चलूंगा मेरे हाथ छोड़ दो अकबर खरीब ला जो लाए हुसैन को अब्बाजम कर पाओ से सुन के सदाए हुसैन को अकबर ने हाथ लग अकबर ने हाथ लग जो को गम के दिल पजो एक बार गिर पड़े पहलू में लाज पहलू में एक बार गसे चौके अब्बास जीवकार और जाकनी में आंखों को खोला बहालजार पूछा किधर हो ए मेरे आगा नामदार हजरत बड़ी के पास हजरत लिपट के पास मैं जा कनी से फुजु इस जुदाई के भाई का दाग भाई का दाग है कुछ वसीयत मेरी इस वक्त या इमान उनमें से यह तसद्दुक जाब गुलाम साहिल से लाश उठ के ना जाए सुए कयाम जिजा पड़ा कब्र का सर के ना खाना इमाम दिलेर का मस्कर तरह मस्कज रहे तरह और दूसरी अर्ज शाह ने खुश शहजादिया में देखे ना के सकीना मेरा लो और एक मर्ज मर्ज दिन आए लहज में बुए इमाम जमन मुझे बख्शे जोर बख्शे जोर ये सुन के पाए शाह की
जानिब झुकाया सर कांपे लहू भरी हुई आंखों को खोल कर टपके मिजाज से खून के खतरे इधर उधर किस आस है उधर मन का जरी का ढल गया भाई के सामने भाई का निकल गया भाई के सामने करबला क्या पूछना तेरे मुखदर का है तुझमें आज है तुझमें आज कमर खम क्यों ना हो दिल गम से टूटे क्यों ना सरवर का आलमबरदार आगर आलमबरदार आगर वायदा लबे दरियालम बरदार भी काम आ गया आखिर बस बसबल्लाजरत तेरे गैरत को आखिर क्या हुआ कुछ तूने सोचा भी भरे महफिल में भरे महफिल में कैसा तस्करा ज़ैनब की चादर का मुझे जब गिरे रन में बा वफा बास सदरजी से हुए जुदा बास गिरते गिरते ये दी सदा बास हो गया बर्पिदा आओ या शाह करबला आओ गुर्ज से शकसार मेरा आई सुन के बेताब हो गए मौला अली अकबर ने बाप से ये कहा चलिए बाबा पुकारते हैं चचा कह के अकबर बशोरो शैन चले दिल को थामे हुए उसे पीटते थे हुसैन सीनाओ सर थे संभाले हुए अली अकबर आ
अब जो पहुंचे फुरात पर सरवर, की निगाह भाई के जो लाशे पर पैती थे खड़े हुए शबीर, दिल भराया, दिल भराया तो रो, चूर जख्मों से था अली का पिसर, जहां बलब है जर उठे क्यों कर तब कहा शाह हसे ये रो रो कर, देखिए मैं पड़ा हूं रेती पर हो बहलिए मेरी खता आखा आप है हुजते खुदा, ये वसीयत है आपसे आखा, खैमा गाँव में न लाश ले जाना होगा सभी बियों का हाल बुरा, रोएगी मुझको सानिए जहरा मेरा मदफन, यहाँ मुदाम रहे हश्र तक बस ये वक्ते आखर यही मलाल रहा, है सकीना को इंतजार मेरा था इकरार पानी लाने का, मैं पड़ा हूँ यहाँ लबे दरिया कहती होगी अब आएंगे हमको पानी पिला, सर से मामा शैन फेंक दिया अपनी टूटी कमर को थाम लिया, कहते थे क्या गजब हुआ भैया, तुमने गुर्बत में साछो, कहते थे क्या गजब हुआ भैया, तुमने गुर्बत में सा छोड़ दिया रेत पर सो रहे हो क्या भाई, उठ के भाई को दो भाई का दम जो सामने निकला, रोए सर पीट कर शहे वाला मुड़ के कड़ियल जवान से ये कहा ले चलो मशगोर अला
हमको ब्यास कर गए अब्बास, मर गया मर गया मर गया मर गए ने पुकारा ए मेरे बाबा हुसैन, अब नहीं कोई हमारा जाइए आइए अब तो खुदा सर पर देखिए है फटा رحم الله من يقرع الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين العمي المكي المدني القرشي الأبتحي التحامي السيد البحي السراج المضي الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بعرض المدينة العبد المعيد الرسول المسدد الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وغالبين على كل غالب مطلوب على كل طالب إمام المشارق والمغارب مولانا ومولى الكونين مصلي لا قبلتين عمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولا سيما صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والعثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة العلاحية وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال إمام الصادق عليه الصلاة والسلام كان أمنا العباس ابن علي نافس البصيرة اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ نے اتنی حیات دی اور توفیق دی کہ ہم باب الحوائج کی بارگاہ میں جو کربلا ہند ہے یہاں حاضری دے سکے اور میں شکر کرتا ہوں اراکین انجمن پروان حسنین اور بالخصوص صدر محترم میر لائق علی صاحب کا جنہوں نے یہاں آنے کے اسباب کو فراہم فرمایا اللہ اس انجمن کو آباد و شاد رکھیں تمام اراکین جو یہاں موجود ہے پروردگارہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرما کربلا شبی تک تو ہم پہنچ گئے انشاءاللہ حقیقی کربلا تک بھی پہنچ جائیں گے دعا ہے کہ روضہ امام حسین کو بھی ایک سفر انشاءاللہ رہے اللہ اس خیر و برکت ہمیں عطا کریں اور یہ تو وہاں سے جو نام لکھے جا چکے جاتے ہیں وہی وہاں سے بلاوا آ جاتا ہے بہرحال باب الحوائج کی بارگاہ ہے اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے جتنا ہو سکے ان مراکز میں ان جگہوں پر استفادہ کریں زیارتیں پڑھیں قرآن پڑھیں نماز کو پابندی سے بجا لائیں اور یہی وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں تاکہ اپنی ان مرادوں کو باب الحوائج سے مانگ سکیں مولا عباس کی بارگاہ ہے جناب عباس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ نام ہی عباس ہے اور عباس کہتے اس شیر کو ہے کہ جسے دیکھ کر دوسرے شیر بھی بھاگ جاتے ہیں کیوں نہ ہو اس لیے کہ مولا ایک کائنات بنی حاشم میں بہت سارے افراد کا نام اسد رکھا گیا ہے شیر لیکن اسد تو رکھا گیا لیکن کوئی اسد اللہ غالب نہیں بن سکا سوائے مولا کائنات کے اور وہی اثر جناب حضرت مولا ابو الفضل عباس میں نظر آیا کہ جو باب الحوائج کہلا ہے عزیزان گرامی مولا عباس کی بارگاہ ہے اور وہ جملہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا اس جملے میں دیکھیں کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ کانا امن العباس ہمارے چچا یہ لفظ امنا کے بتوجہ کریں کہ ہمارے چچا عباس نافس البصیرہ تھے کربلا میں بصیرت نافس البصیرہ وصلب العیمان ایمان گویا راسخ کر دیا گیا تھا آپ کے قلوب میں وجاہدہ مع ابی عبداللہ
और हज़रत अब्बास वह जो अभी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम के साथ जिन्होंने जहाद किया, वो अबला हसनन, आपने बेहतरीन आजमाइश दी अल्लाह की बारगाह में, वो मजा शहीदा, और यहाँ तक के शहादत पाई। अलकाबे हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा हैं, हामी जिन्हें कहा गया, पुश्तबाने मौलाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। दो आलिम थे, दोनों आलिम में एक मुनाजिरा हुआ। एक आलिम कहने लगे कि जनाब सलमान फ़ारसी का मकाम बाला है या हज़रत अब्बास का मकाम बाला। दो आलिमों में गुफ्तगू हो रही है, शायद उनकी नज़र में जनाब सलमान फ़ारसी का मकाम इसलिए बाला होगा कि चूँकि 10वें दर्जे पे फ़ायज़ थे और 100 से ज़्यादा उम्र कर चुके थे, तो उन्होंने दलील पेश की कि जो ये कहते थे कि जनाब सलमान फ़ारसी का मकाम हज़रत अब्बास से बाला है, उन्होंने दलील ये पेश की कि जनाब सलमान के पास अव्वलीन और आखरीन का इल्म था, इसलिए वो सब जानते थे। एक मरतबा वो आलिम जिन्होंने हज़रत अब्बास के कहा कि हज़रत अब्बास का मकाम जनाब सलमान से बाला है, उन्होंने कहा तुम जानते हो जनाब सलमान हज़रत अली के शागिर्द थे, लेकिन अब्बास का मकाम वो है कि जहाँ हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा है वलदियल अब्बास ज़क्कन ज़क्का, मैंने अपने बेटे को ऐसा रिस्क दिया है जैसा परिंदा अपने बच्चे को रिस्क देता है। यकीनन परिंदों से तशबीह दी है इसलिए कि अगर दूसरे जानवरों से भी तशबीह दिया जा सकता था, परिंदे से तशबीह देकर यह बताया कि वो परिंदे की खसूसियत यह होती है जो उसके दहन में गिजा आती है वही गिजा अपने बच्चे के हलक में डालता है। तो अगर आप अंदाज़ा लगाएं मौलाए कायनात के इल्म का, तो वही इल्म हज़रत अब्बास के अंदर भी मौजूद है। सलावात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद की बारगाह में, जहाँ पैगंबर ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ अली उसके दरवाज़ा है, अली पैगंबर के बाबुल है बाब है, तो इधर हज़रत अब्बास बाबुल हुसैन का नाम है, बाबुल हुसैन का नाम है हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम। और फजीलत देखिए बाबुल हुसैन के जो आदाद है अबजद के 133 है और अब्बास के नाम के भी अदद 133 है। सलावात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद की बारगाह में। फिर आलिम ने कहा कि क्योंकि पैगंबर ने फरमाया कि सलमानो मिन्ना अहलिल बैत, तो दूसरे आलिम ने कहा अब्बास जानते हो कौन है, अब्बास भी अहले बैत ही का जुज है, अब्बास वो मकाम है जिसने फातिमा ने अपना बेटा कहा है, अब्बास दो माओं का ना बेटे का नाम है, अब्बास की दो माएँ हैं, एक उम्मुल बनीन है तो एक फातिमा जहरा है, तुम हज़रत सलमान का कहाँ मुकायसा कर रहे हो। फिर उस आलिम ने एक दलील दी, चूँकि हज़रत सलमान फ़ारसी उन हजरात में से हैं, वो 7 अफराद में से हैं कि जिनके वसीले से जब दुआ मांगी जाए तो बारिश आसमान से नाजिल होती है, और मौलाए कायनात ने कहा उसमें जनाब सलमान भी है और इन 7ों का इमाम मैं हूँ। तो अब उस आलिम ने कहा जो हज़रत अब्बास की बात कर रहा था, जानते हो यकीनन होगा कि हज़रत अली का नाम हज़रत जनाब सलमान फ़ारसी का नाम लेकर अगर दुआ मांगी जाए तो बारिश होगी, लेकिन तुम जानते हो सारी खिलकत जो पैदा की गई है जो बारिश भी होती है वह इमाम हुसैन के सदक़े से है, और करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अब्बास के लिए कहा ऐ अब्बास मेरी जान तुम पर फिदा हो जाए, ऐ अब्बास मेरी जान तुम पर फिदा हो जाए, तो अब समझो मर्तबा अब्बास क्या होगा, अब्बास का मर्तबा क्या होगा। तो ये वो मकाम है हजरत अब्बास का, बे अबी अंता उम्मी बे नफसी अंता, ऐ अब्बास मेरी जान तुम पर फिदा। अजीज़ अब्बास अलैहिस्सलाम अगर जाने जाते हैं तो अपने वो अलमबरदारी से जाने जाते हैं। बताएं आज
जो बरादरान इस्लामी हैं, कोई है कि जो बता सकता है कि यजीद का परचम आज कहाँ है? हम बता सकते हैं कि अब्बास का परचम कहाँ कहाँ नहीं है। लबैक या अब्बास, लबैक या अब्बास, अल्लाहुम्म सल्ल अला। ताजुद्दुरूद एक दुरूद है पैगंबर पर, उसमें ये दुरूद में आया है कि ता साहेबुल ताज, साहेबुल मेराज, ता साहेबुल बुर्राक, साहेबुल अलम। लोग हमसे अलम की तारीख मांगते हैं जबकि दुरूद में लफ्ज अलम आया है। साहेब ताज, साहेब मेराज, साहेबुल बुर्राक, साहेब अलम। तो पता चला ये अलम पैगंबर के ज़माने से चला आ रहा है। ये वही अलम है जो अहद में पैगंबर के पास था, ये वही अलम है जो मौलाए कायनात में खैबर में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास था, ये वही अलम है जो जंगे जमल में इमाम हसन के हाथ में था, ये वही अलम है जो करबला में अब्बास के हाथ में था। सलावात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद की बाहरगाह में। अलम बरदार है हज़रत अब्बास। अब चूँकि बाबुल हवाइज की बारगाह में है, मैं ज़्यारत के उन फ़िक्रात को तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जब हम जब इस बारगाह में आएँ तो पांच चीज़ें इस बारगाह से लेकर उठें। और आखिरी फ़िक्रा है ज़्यारत का, अल्लाहुम्मा इन्नी कद रज़ैतु बिज़ालिका, ऐ परवरदिगार अगर तूने ये पांच चीज़ें मुझे अता कर दी तो बख़िया मुझे कोई और चीज़ नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज जो ज़ियारत की फ़िक्रात है मौला अब्बास के, अल्लाहुम्मा तवफ़नी, ए परवरदिगार मैंने तुझ पर ईमान लाया। अल्लाहुम्मा बे तस्दीक बे ईमान का, मैं तुझ पर ईमान लाया, यानी मैं तुझ पर ईमान लाया। दूसरे बे रिसालत, तस्दीक बे रिसाले का, रिसालत का, मैं अल्लाह के रसूल की तस्दीक करता हूँ। वो विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलात व सलाम, अल्लाह पर ईमान, रसूलुल्लाह की रिसालत पर ईमान, तस्दीक व विलायत अमीरुल मोमिनीन पर। वल आइम्मतु मिन वलदही, और वो आइम्मा जो इमाम अली अलैहि सलाम की नस्ल से है, मैं उनकी विलायत का इकरार करता हूँ। अगर ये इकरार ना हो तो कोई आमाल कबूल ही नहीं है। बग़ैर विलायत के बग़ैर तो इंसान जन्नत में नहीं जा सकता अज़ीज़ो, विलायत ही है। इसीलिए कि ये विलायत ही शर्त रखी गई है, ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फ़मन दखला हिस्नी अमीना अज़ाबी। ला इलाहा इल्लल्लाह एक किला है, जो इस किले में दाखिल होगा वो अजाब से महफूज रहेगा। लेकिन छठे आठवें इमाम ने फरमाया बेशर्त हा वो शुरू तहा, इस किले में दाखिल होने के लिए शर्त है वो अना मिन शुरू तहा, मैं उन शर्तों में से एक हूँ। सलावात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद की बारगाह में। ये पांच चीज़ें हैं, अल्लाह पर ईमान, रिसालत की तस्दीक, अमीरुल मोमिनीन की विलायत और आइम्मे मासूमीन अलैहिस्सलाम की विलायत, और पांचवी है वल बराअत अदूवहिम, ऐ परवरदिगार मैं बराअत करता हूँ जो दुश्मन अहले बैत है, मैं उनसे बराअत करता हूँ, उनसे बेजारी करता हूँ। बस ये पांच दुआएं मेरी कबूल हो जाए, कद इन्नी रज़ी तो बिज़ालिक, बस मैं तुझसे राज़ी हो जाऊँगा ऐ परवरदिगार। किस कदर मकाम है हज़रत बाबुल हवाइज का। बाबुल हवाइज के जब सन 60 हिजरी में खाने काबा पर चढ़कर जनाब अब्बास ने ये जब खुतबा दिया था और कहा था कि या कफरतुल फाजरा, ए कुफार और फाजिर लोग, तुम जानते हो कि ये काबा अगर शरफयाब हुआ है, काबा बना है तो मेरे बाबा के ख़दमों से काबा बना है, अगर अजमत हुई है तो मेरे बाबा के ख़दमों से इस काबे को अजमत हुई है। हुसैन वो है जिन्हें हजरे अस्वद बढ़कर इस्तकबाल करता है, हुसैन की ज़ात वो है जो काबा बढ़कर इस्तकबाल करता है। अब मुझे कहने दीजिए, मेरे मौला अब्बास खुतबा दे रहे हैं, खिताब क्या कर रहे हैं, या कफरतुल फजरा, ए काफिरो ए फाजिरो। मैं कहूँगा मौला अब्बास ये मक्का है, ये काबा है, काबे में कोई काफिर दाखिल नहीं होता, आखिर आप किसको मुखातिब होकर कह रहे हैं? अजब नहीं अब्बास कहें तुम ज़ाहरी तवाफ़ को ना देखो, तुम ज़ाहरी एहराम को
ना देखो, उनके दिलों में देखो कि मोहब्बत हुसैन है कि नहीं, मोहब्बत अली है कि नहीं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद आल मोहम्मद की बारगाह में। अल्लाहुम्म सल्ल अला मौला अब्बास के अलकाबात में से एक अलकाब और आपकी ज़हमत तमाम, सुब्बुहुन कंतरह। ये अजीब लकब है मौला अब्बास का, और ये उस वक्त जब दिया गया जब जंग नहरवान थी, और ऐसे में मौला अली ने अब्बास अलैहिस्सलाम को एक पुल पर निगहबानी के लिए छोड़ा, कहा अब्बास इस पुल पर रहना और खबरदार कोई जो है खवारिज इस पुल से गुजरना जाए। जब सुबह की सात थी, इमाम इधर फजर की नमाज पढ़ रहे थे, एक शख्स दौड़ते हुए आया, कहा या अली, गजब हो गया, मैंने देखा कि 4000 खवारिज पुल पे से गुजर रहे हैं, हजारों की तादाद है जो पुल पे से गुजर रही है। मौला ने इत्मीनान से जवाब दिया, सुब्बुहुन कंतरा, मैंने अपने शेर को छोड़कर आया हूँ, तुम घबराओ नहीं, मैं अपने शेर को छोड़कर आया हूँ, अब्बास उन्हें संभाल लेगा। और वो परेशान है, और दौड़ते हुए जब पुल के पास आए तो क्या देखा, हजारों के मानिंद वहां पर सर कटे हुए दुश्मनों के नजर आए। अब्बास ने उनका सर तन से जुदा कर दिया था। सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद की बारगाह में। ये जो बाब उल हवाइज कहा गया हज़रत अब्बास को, ये रोयत सादिका में पैगंबर ने ख़ुद ये लक़ब दिया है, बाब उल हवाइज, वो बाब उल मुराद जिसकी खुद तमन्ना पूरी ना हो सकी। अल्लाह ने क़यामत तक ये कहा कि ऐ अब्बास, जो भी तुम्हारे दर पर आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा। ज़रा सोचे अजीज़ो, जिनकी तमन्ना ही, जिनकी हसरत ही दिल में रह गई हो, वो बाबुल मुराद ख़यामत तक के लिए बन गया। मौलाए कायनात ने जनाब अब्बास के लिए कहा, या वलदी अल अब्बास अंत कुर्रत आईनी फिल यौमिल क़यामा, ऐ मेरे बेटे अब्बास, तुम क़यामत में मेरी आँखों की ठंडक बनोगे। और जनाब सैयदा आलमियाँ कहती है कि जब हज़रत पैगंबर पूछेंगे, ऐ बीबी फ़ातिमा, तुम अपनी उम्मत की शिफात के लिए क्या लाई हो, तो शहज़ादी कौनैन अब्बास के उन दोनों हाथों को पेश करेगी, कहेगी ऐ बाबा, इस उम्मत की शिफात के लिए मेरे बेटे अब्बास के दोनों हाथ। और सैयद साजिदीन क्या फरमाते हैं, मेरा मौला अब्बा इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, अल्लाह ने हज़रत अब्बास को क़यामत में एक ऐसा मकाम अता किया है कि अव्वलीन और आखरीन के शहदा उस मकाम को देखकर हसरत करेंगे, ऐ काश वो मकाम हमको हासिल हो जाए। और चिट्ठे इमाम ने फरमाया, कान अम्मुन अल अब्बास नाफिसुल बसीरा सुलबुल ईमान व जहदा मा अबी अब्दुल्लाह व अबलहा हसन। कभी आपने इस फिक्रे पे गौर किया, क्या बेहतरीन आपने आजमाइश दी है। आजमाइश अब्बास की ये है कि जिंदगी में ही अब्बास के दोनों हाथ खलम हो गए, किसी शहीद के दोनों हाथ कलम नहीं हुए, अब्बास के हाथ जिंदगी में ही कलम हो गए हैं। जब भी अब्बास की जरी पर आना तो एक बीबी के वसीले से अब्बास को अपनी हाजत पेश करना, और वो है बीबी सकीना। अजीजो जानते हो, हमारे यहाँ अब्बास का ताबूत नहीं उठाया जाता, बल्कि अलमे अब्बास को उठाया जाता। क्यों? इसलिए कि खुदा अब्बास ने कहा था, ऐ मौलाओ आगा, मेरे जनाजे को खेमे में ना ले जाइएगा, मेरा लाशा ना उठाइएगा, इसलिए कि मैंने सकीना से वादा किया था, ऐ बीबी मैं आपके लिए पानी लाऊंगा, ऐ मौला मैं शर्मिंदा हूँ,
मैं सकीना की प्यास ना बुझा सका। यही वजह है कि कोई भी रोज़े अब्बास पर आता है और सकीना का हवाला देता है। अरे जो हमारी बहनों का ढारस हो, अरे वो करबला में ज़ैनब का ढारस कैसे, वो बीबियां जो पर्दे का मुहाफिज अब्बास। जरा सोचिए कि जब जनाब ज़ैनब के खेमे में अब्बास आए होंगे, ज़ैनब ने एक मरतबा हसरत भरी निगाह अब्बास पर की और अपने बाजुओं पर की, कहा भैया अब्बास 19वीं रमजान को बाबा एक मरतबा कह चुके थे ऐ ज़ैनब इन हाथों में रसन बांधी जाएगी। जज़ाकुम रब्बकुम, ये रह रह कर सोचा करती थी, अरे जिसके 18 बनी हाशिम, जिसके 18 जवान भाई हो, अरे उसके हाथों में कौन रसन बांधेगा। ऐ अब्बास आज मुझे यकीन हो गया इन हाथों में रसन भी बांधी जाएगी, पुश्त पर ताजियाने भी लगाए जाएंगे। हाय पर्दे का मुहाफिज, हाय ज़ैनब उम्मे कुलसूम के ढारस अब्बास। अब जैसे ही खेमे से आ रहे हैं, इधर हुसैन ने परचमे अब्बास को आमादा किया, एक तरफ लिखा था इन्ना, एक मरते एक तरफ लिखा था नस्र मिन अल्लाह फतहुन करीब, इमाम ने दूसरी जानिब अपनी अंगूठ से शहादत से लिखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अलम लेकर अब्बास चले, मशके सकीना को भरा, चुल्लू में आब लिया, फज़कर आतशल हुसैन, हुसैन की प्यास को याद किया, अरे पानी को दरियाए फुरात पे दे मारा। 4000 फौज अशकिया से लड़ते हुए अब्बास अब खैमे हुसैनी की तरफ आना चाह रहे हैं, एक जालिम की तलवार चली क़ता यमीनन, दाया हाथ कलम हुआ, इन क़तअतुमु यमीनी इन्नी उहामु दीनी व इमामी। ऐ ज़ालिमो तुम मेरे हाथ को तो कलम कर सकते हो, लेकिन मैं अपने दीन और अपने इमाम की मुहाफ़ज़त करूँगा। दूसरा एक मरतबा तलवार चली, बाया हाथ भी कलम हुआ, अरे जब मशके सकीना पर तीर लगा, गाजी की उम्मीद ना उम्मीदी में तब्दील हुई, गाजी ने अपने आप को अशकिया में डाला। जरा बताओ अजीजो, जहां अब्बास के हाथ नहीं है, अरे हर जालिम आगे बढ़ता है, अरे कोई तलवार मार रहा है, कोई नहजे मार रहा है, करबला का वाहिद शहीद है अब्बास, जो जब जमीन पर आए हैं मुंह के बल अब्बास घोड़े से जमीन पर आए हैं। इमाम ने एक मरतबा कमर पर हाथ रखा, अलान इंकसरा जहरी व किल्लता हिल्लती, ऐ अब्बास तुम्हारे मरने से हुसैन की कमर टूट गई। एक मरतबा इमाम चले, हाथ को उठाया, नजब की तरफ रुक करके कहा बाबा ये वही हाथ है ना जो 20वीं रमजान को आपने मेरे हाथों में दिया था। ऐ बाबा ऐ देखे मेरा भाई अब्बास शहीद कर दिया गया। बस अजीजों, इमाम बाजू बराबर भाई के बाजू बैठ गए, सरे अब्बास को लिया, अपने जानों पर रखा, आंखों से तीर को निकाला। ऐ भैया मौला, अरे जब मैं पैदा हुआ था आप पर नजर पड़ी थी, चाहता है कि जब दुनिया से रुखसत हूं आखिरी दीदार आपके चेहरे की ज़ियारत कर लूं।
एक मर्तबा जैसे ही तीर को निकाला, आंखों से खून को पहुंचा। ऐ वलदी, ऐ भाई, ऐ मेरे भाई, जिंदगी भर तुम मुझे आगा और मौला कहते रहे। मेरी ख्वाहिश एक मर्तबा मुझे भाई कहकर पुकारो। अब्बास ने तीन मर्तबा कहा, या अखी। हारुए अब्बास परवाज कर गई। बस आजारो दो ही लाशें करबला में मिलते हैं, जिनका लाशा खेमे तक नहीं आया। एक अब्बास का लाशा जो खुद अब्बास की वसीयत थी, लेकिन एक हुसैन का लाशा। अरे कोई न था जो हुसैन के लाशे को उठाता, बेवारिसा सा रह गया लाशा हुसैन का। सब अपने रिश्तेदारों की मैयत को ले गए, बेवारिसा सा रह गया लाशा हुसैन का। परचमे अब्बास लेकर जो ऐसे ही खैमे हुसैनी के करीब चाहने वाली बहन आगे बढ़ी। एक मरतबा जनाब सकीना ने कहा, है बाबा क्या मेरा चचा क्या हो गया? अरे मुझे बाबा, मेरे चचा का आलम आया है, मेरा चचा क्या हो गया? इमाम ने दामन को हटाया, क्या देखती है? अब्बास के दोनों हाथ जैनब ने बीबियों के दरमियान का, ऐ बीबियों हमारे चादर का महाफिर दुनिया से रुखसत हुआ, खैमे में कोहराम बपा, वापासा वालिया वा मोहम्मदा लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन वसियालम अल्लज़ीना ज़लमु अय्यमन क़ल्बीन यनक़लबुन बारिलाह। इस ज़िक्र क़लील को समाअत को सामीन से अपनी बारगाह में कबूलियत अता फ़रमा। बाबुल हवाइज के वास्ते से परवरदिगार, जो जो मुसाफिरीन है परवरदिगार, उन्हें अपनी सेहत व सलामती के साथ अपने वतन लौटना नसीब फरमा। बारिला जहाँ जहाँ शियान हैदर कर्रार इनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। बिलखसूस शियान इराक, ईरान, सीरिया, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हैदराबाद के शियों को अपने हिफ्ज़ अमान में रख। कुफ्र व निफाक, दाइश, अमरीका, इसराइल, आले सऊद, आले खलीफा को ज़लील व ख़ार फरमा। परचम इस्लाम को सर बुलंदी अता फरमा। बारिला जन्नतुल बकी की तामीर के असबाब को फराहम फरमा। बारिला तुझे वास्ता बाबुल हवाइज का, जो हमारे नौजवान बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़ी रोटी अता फरमा। हम में जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़े की अदायगी फरमा। हम में जो बीमार हाल हैं उनको शफाए कामिला वाजिला अता फरमा। बिलखसूस सदर मोहतरम अराकीन, जो जो परवरदिगार हैं सबको सेहत कामिला वाजिला अता फरमा। दिलदार भाई की दुख्तर को परवरदिगार सेहत कामिला वाजिला अता फरमा। इनकी दुख्तर को औलाद नगीना अता फरमा। बारिला तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हमारे गुनाह ने कबीरा व सगीरा को माफ़ फरमा। हमारे मरहूमीन को जवार रहमत व जवार मासूमीन में जगह अता फरमा। बारिला हमें बार बार करबला और उमरा हज व ज़ियारात से मुशर्रफ़ फरमा। जो जो मुश्ताक हज व ज़ियारात हैं उन्हें बार बार हज व ज़ियारात से मुशर्रफ़ फरमा। बारिला जब इस दुनिया से जाएँ तो एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में दामन अहले बैत हो। हमें कुरान पढ़ना और उस पर समझना और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। बारिला तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हमें कोई गम न दे सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। हमारा खातिमा इमाम के ज़हूर पर फरमा। हमको हज़रत के आवान व अंसार में शुमार फरमा। मातम हुस्सा एक मरतबा सूरह हम्द, तीन मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा का जुमला तमाम मोमिनीन और मोमिना जो मरहूम हो चुके हैं उनकी रूह रवा को इस साल फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मह गए अब्बास अब शबीर का कोई नहीं, मह गए अब शबीर का कोई नहीं, मर गए।
خنجروں میں فاطمہ کا نازنی مشکو علم تھامے ہوئے مشک سے پانی بہا غازی کے ارماں بہے چلے نہر پر عباس شانوں کو کٹا کر سو گئے نہر سکینہ کا خیال پیاس سے بچے ہوئے جاتے ہیں خیموں میں نڈھال پیاس سے بچے ہوئے جاتے تھے خیموں میں نڈھال آس تھی لائے پانی کر کے آدا سے خطا واپس آ گیا جب علم عباس کا دریا سے واپس آ گیا جب علم عباس کا دریا سے واپس آ گیا کہتی تھی بابا سے بچی کیا ہوئے میرے چچا کہتی تھی بابا سے بچی کیا ہوئے میرے چچا نہر پر شانے کٹا کر وہ دلاور سو گیا نہر پر شانے کٹا کٹا کر وہ دلاور سو گیا نہر پر شانے کٹا کر وہ دلاور سو گیا گر گیا ہے خنجروں میں فاطمہ کا نازنی
तुरबाज फूफी अम्मा सुन लीजिए सकीना की मुसीबत फूफी अम्मा जिंदा में बनेगी मेरी तुरबाज फूफी अम्मा सुन जीते जी गले से मेरे रसीना खुलेगी जीते जी गले से मेरे रसीना खुलेगी राहत ना मिलेगी बाबा का गला काट के खेमों को जला के बाबा का गला काट के खेमों को जला के और खैदी बना के दिन रात कैसांस भी होने नहीं पाता दिन रात कैसांस भी होने नहीं पाता जिंदान है कैसा अरमान था दिल में मैं वतन लौट के जाती अरमान था दिल में मैं वतन लौट के जाती अरमान था दिल में मैं वतन लौट के वतन लौट के जाती रुदाद सुनाती रुदाद सुनाती रुदाद सुनाती रुदाद सुनाती निकली या अली कह कर
है अलम अब्बास का या अली कहकर उठाते अले या अली कह कर उठाते है अलम अब्बास का या अली कह कर उठाते अले अलम अब्बास का जख्म की सूरत रहेगा दिल में गम अब्बास का या अली कह कर उठाते है अलम अब्बास का देख कर डूबे हुए मशको अलम को खून में देख कर डूबे हुए मशको अलम को खून में करते हैं मातम बपाए है ले हरम अब्बास का ज़ियारत के लिए रुक ताहे दम अब्बास का शेख की ज़ियारत के लिए रुक ताहे दम अब्बास का जख्म की सूरत रहेगा दिल में गम रोते रोते मर गई जिंदान में तशना दहन किस कदर दिल में सकीना के था गम अब्बास का किस कदर दिल में सकीना जख्म की सूरत रहेगा दिल में गम अब्बास का बदल बेकसी में हो गया मर ना सितम अब्बास का बेकसी में हो गया मर ना सितम
नासी में हो गया मरे ना सितम अब्बास का बेकसी वावेला फिर भी बताओ दरिया लसन वावेला दरिया की मौज तड़पी वावेला वावेला सुनते ही फौज तड़पी लसन वावेला किसने ये पानी मांगा लसन वावेला वावेला सद वावेला वावेला हाय 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 हाय